वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की सेलिब्रेशन पाकिस्तान को एक एजाज़ मिला होस्ट करने का। दुनिया अब रियलाइज़ करती है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो उन चंद मुल्कों में से है जो कि आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर जहान छोड़ने की जो वो कोशिश कर रहा है वो एक्नॉलेज की गई है, तो मुझे इससे भी बड़ी खुशी है। इसका नाम रखा है डेकेड ऑफ डैम्स। तो अगले 10 साल तक यानी 2028 तक 10 डैम्स बनेंगी पाकिस्तान के अंदर। कोई भी दुनिया में मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता जिधर थोड़े से लोग अमीर हो और बाकी गरीबों का समुंदर हो। मुल्क आगे तब बढ़ता है जो मुल्क अपने निचले तबके को ऊपर उठाता है। जो कोर सिलेबस होगा वो एक ही होगा सारे मुल्क के लिए। हम सब अपने आप को कहते हैं हम आशिक रसूल, लेकिन आशिक रसूल हैं तो उसको साबित आप ऐसे कर सकते हैं कि उनकी सीरत पे चले, उनके रास्ते पे चले। इसलिए हमने रहमतुल्लाह आलमीन अथॉरिटी बनाई कि अपने उलमा को सबको इकट्ठा करें, कॉलेजेस में डिबेट्स करवाएं, उनकी जिंदगी की तो बताएं कि उनकी जिंदगी थी क्या।
जैसे ही वोटिंग खत्म होती है और अनाउंस होता है उसके बीच में सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, हर किस्म की बेजाबतियाँ होती हैं, धांधली होती है। तो जब ईवीएम मशीन्स आएंगी तो वो सारा प्रोसेस बीच में से निकल जाएगा। सबसे बड़ा फायदा ये है, ट्रांसपेरेंसी आ गई, शफाफियत आ गई। In Pakistan, we have shifted our focus from geopolitics to geoeconomics. Our new economic security paradigm has three central pillars: peace, development partnerships, and connectivity. वेल्थ क्रिएशन की तरफ जा रहे हैं। रोशन डिजिटल के जरिए घर भी खरीद सकते हैं या अपने घर बना सकते हैं या प्रॉपर्टी में पैसा लगा सकते हैं।